और कल मैंने ये चीज़ अर्ज़ की थी कि इनके यहाँ हर साल एक कौमी दिन हुआ करता था जिसमें पूरी की पूरी कौम शहर से बाहर जाकर बुतों की पूजा पाठ किया करती थी, जानवरों के नजराने चढ़ाती थी और बुतों की परस्तिश किया करती थी। और ये जो अस्हाबे कहफ थे जिनकी तादाद 6 थी या 7 थी या 8 थी, अल्लाह ही उनकी तादाद को बेहतर जानते हैं। ये भी कौम के साथ शहर से उस जगह की तरफ गए जहां बुतों की पूजा पाठ होनी थी और वहां जाकर इन्होंने अपने दिल में कहा, हा उला कौमुना, ये हमारी कौम का हाल है। हा उला कौमुना, ये हमारी कौम का हाल है। इत्तखदू मिन दूनिही आलिहा, के अल्लाह की ज़ात को छोड़कर इन्होंने कितने महबूद बना रखे हैं। लबला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन, और जितने भी महबूद बना रखे हैं उन्हें खुदाई का दर्जा दे रखा है, अपने खुदाओं में से किसी खुदा पर ये दलील पेश नहीं कर सकते हैं। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कदीबा, उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है। यानी अल्लाह की ज़ात को छोड़कर बुतों को माबूद तसव्वुर करते हैं, इससे बड़ा जालिम और कौन होगा। वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, वो वक्त याद कीजिए जब ये नौजवान अपनी कौम से किनारा कश हो गए। वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, और उन बुतों से भी किनारा कश हो गए जिनकी कौम पूजा पाठ कर रही थी। फ़वू इलल कहफ, तो फिर उनसे कहा गया कि गार में जाकर तुम पना ले लो। ये किसने कहा उन्हें? उलमाए किराम ने लिखा है कि ये अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनके दिल में इल्का किया था कि फ़वू इलल कहफ, कि जाओ किसी गार के अंदर पनाह ले लो और अपने दीन को महफूज रखो और अपने दीन के ऊपर जम जाओ। जब तुम गार के अंदर पनाह लोगे और अपने दीन के ऊपर जमे रहोगे, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती, तो अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफका, और तुम्हारे लिए सहूलत वाला रास्ता, आसानी वाला रास्ता अल्लाह जल्ला शानुहू की ज़ात आलिया वो निकाल देगी। देखें, ये वही इनकी तरफ नहीं आई है, जिब्राईल इनके पास वही लेकर नहीं आए हैं, बस इनके दिल के अंदर इल्का किया गया, इनके दिल के अंदर ये चीज़ डाली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बावजूद इस बात के कि आप नबी हैं और मुवहिदीन के बाप हैं आप, लेकिन जब आपको बेटे के ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ने जिब्राईल को नहीं भेजा बल्कि ख्वाब दिखाया गया, ख्वाब के ज़रिए से आपके दिल के अंदर डाला गया कि हम आपसे आपके बेटे की कुर्बानी को चाहते हैं। 14वें पारे में अल्लाह जल्ला शानुहु ने शहद की मक्खी का ज़िक्र फरमाया है, और शहद की मक्खी के बारे में फरमाया, वअवहा रब्बुका इलन नहल, कि तेरा रब शहद की मक्खी की तरफ वही भेजता है। इस वही से मुराद ये नहीं है कि जिब्राईल शहद की मक्खी के पास आते हैं, बल्कि इसका मकसद ये है कि मक्खी, शहद की मक्खी के दिल के अंदर ये चीज़ डाली जाती है। यहाँ भी इसका यही मतलब है, फ़वू इनल कहफ, कि उनके दिल के अंदर ये चीज़ डाली गई कि अपने दीन को महफूज रखने के लिए, अपने एतिकादात को महफूज रखने के लिए, छोड़ दो अपने कबीले को, छोड़ दो अपने कुंबे को, छोड़ दो अपने शहर को और अपने दीन को जाकर गार के अंदर पनाह लेकर महफूज बनाओ। हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत इसी चीज़ का नाम है
कि जब इंसान का दीन ख़तरे में हो, इंसान अपने दीन के ऊपर आज़ादी से और सहूलत के साथ अमल न कर सकता हो, तो फिर हुक्म ये है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए और उस जगह को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पर इंसान को चले जाना चाहिए जहां इंसान सहूलत के साथ, आसानी के साथ अपने दीन के ऊपर अमल पैरा हो सके और सहूलत के साथ अपनी इबादत को इंसान बजा ला सके।